हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कुक विद ममता। आज हम एक क्यूट सी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्पेशली ये किड्स के लिए है। हम बना रहे हैं बनी सैंडविच। ये देखिए हमारा प्यारा सा बनी कितना क्यूट लग रहा है। ये सैंडविच आप बच्चों की बर्थडे पार्टी या किड्स पार्टी में बना सकते हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बनी सैंडविच बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ सिंपल से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। दो स्लाइसेस व्हाइट ब्रेड के लिए हैं, दो स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के लिए हैं। मैंने एक खीरा लेकर उसमें से दो स्लाइसेस इस तरह से तिरछे काटे हैं। खीरे से थोड़ा मोटा छिलका निकालकर इस तरह से इसकी दो स्ट्राइप्स बनाई हैं। ये हमने खीरे को ग्रेट करके लिया है और इसका पानी निकाल दिया है। ये एक बड़ा चम्मच के करीब है। एक बड़ा चम्मच हंग कर्ड लिया है, यानी कि मैंने दही का पानी छन्नी में डालकर निकाल दिया है। एक चम्मच फ्रेश मलाई ली है, कुछ जामुन ली हैं, इन्हें हम आइस बनाने के लिए यूज करेंगे। और एक गाजर को काटकर इस तरह से मैंने दो चिप्स बना लिए हैं। एक प्याज का स्लाइस लिया है। कुछ और इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि हम बनाते टाइम यूज करेंगे। सबसे पहले इन ब्रेड स्लाइसेस के राउंडल्स बना लेते हैं। पहले हम ब्राउन ब्रेड के सर्कल काटेंगे। ये मैंने इस तरह से एक स्टील का डब्बा लिया है, इससे इसके सर्कल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसे प्रेस करेंगे, ये सर्कल बन गया है। इसी तरह से दूसरे स्लाइस से भी सर्कल बनाएंगे। ये देखिए ये दोनों राउंडल्स तैयार हो गए हैं। अब व्हाइट ब्रेड के राउंडल्स बनाएंगे। इसके राउंडल्स बनाने के लिए एक मैंने ग्लास लिया है, ये थोड़ा छोटा है, इसके छोटे राउंडल्स बनेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे काटेंगे। ये देखिए ये दोनों राउंडल्स भी तैयार हो गए हैं। और ये बाकी की बची हुई ब्रेड है, इसको हम रख लेंगे और इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। बची हुई ब्रेड से उत्तपम भी बना सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये हमारे चारों सर्कल तैयार हो गए हैं। सैंडविच की स्टफिंग बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल में ये दही डालेंगे, साथ ही इसमें ये मलाई डालेंगे और ये ग्रेट किया हुआ खीरा इसमें डालेंगे। साथ ही इसमें दो पिंच नमक डालें, एक पिंच काली मिर्च डालें, इसको मिक्स करें। सैंडविच की स्टफिंग तैयार हो गई है। आइए अब सब चीजों को असेंबल करते हैं। ये एक सर्कल लेंगे, इस पर ये हंग कर्ड लगाएंगे। अब इसको दही वाली साइड से ब्राउन ब्रेड के सर्कल पर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे रखें और इसे थोड़ा प्रेस कर दें। इसी तरह से दूसरा भी तैयार करें। यहाँ मैं आपको एक बनी सैंडविच तैयार करके दिखा रही हूँ। बनी के कान बनाने के लिए स्लाइसेस इस पे अरेंज करेंगे। ये देखिए आंख बनाने के लिए गाजर के स्लाइसेस अरेंज करेंगे। ये देखिए इस तरह से मूंछों के लिए ये खीरे की स्ट्रिप्स लगाएंगे। ये देखिए इसका माउथ बनाने के लिए प्याज का स्लाइस इस पर रखेंगे। इसके लिप्स बनाने के लिए टमाटर को मैंने पॉइंट से काट लिया है और सीजर से इसकी शेप थोड़ी ठीक कर दी है, ये इस पर लगाएंगे। ये देखिए अब हम बनाएंगे इसकी आईज और उसके लिए हम जामुन का यूज करेंगे। आइस की जगह मैंने जामुन को पॉइंट से काट कर लगा दिया है। अगर जामुन का सीजन नहीं है तो आप इसकी जगह काले अंगूर भी यूज कर सकते हैं, चुकंदर को छोटा काट कर भी लगा सकते हैं और काली मिर्च या बड़ी इलायची भी यूज कर सकते हैं। इसके लिप्स के लिए हमने टमाटर का यूज करा है, इसकी जगह आप आलू बुखारे को पॉइंट से काट कर भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमारे बनी मास्टर तैयार हैं। इसी तरह से दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लें। और भी तरह तरह के सैंडविच की रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। कैसी लगी ये रेसिपी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक को क्लिक करें। वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में जो घंटी आएगी उसे जरूर दबाएं, इससे मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।